हेलो दोस्तों, नेशनल इलेक्ट्रिक टीच में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज फिर से एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप नए मैकेनिक हैं तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी, क्योंकि दोस्तों कभी कभी आपको ऐसा सिचुएशन आपको देखने को आता है जब आप सीलिंग फैन को खोलते हैं दोस्तों, तो कभी ऐसा सिचुएशन देखते होंगे कि इसका स्टैम्पिंग जो होती है, ये वाला स्टेटर, ये दोस्तों इसमें फंस जाती है, इस बैरिंग में फंस जाती है, और दोस्तों ये जो है स्टैम्पिंग इसका बाहर नहीं निकलता। तो दोस्तों उस सिचुएशन हम लोग क्या करते हैं कि स्टेटर को पकड़ के और इसे इस तरह से हीट करते हैं और ताकत लगा लगा के ठोकते हैं, बट वो जो है निकल जाता है, बहुत देर के बाद निकलता है। और दोस्तों इसका जो ये कवर का जो ये गोलाई है दोस्तों, ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, इधर लिप जाता है तो कभी इधर लिप जाता है, मतलब टेढ़ा हो जाता है दोस्तों। और कभी कभी आपको ऐसा सिचुएशन देखने को मिलते हैं कि दोस्तों उसका जो ऊपर वाला कवर ये दोस्तों एल्यूमिनियम है सर, और दोस्तों ये बहुत पतला होता है, और इसका भी कभी कभी ऐसा होता है कि ये स्टेटर जो होती है, और ये स्टेटर जो है ऊपर वाले हाउस में भी दोस्तों ये पकड़ लेती है और ये निकलने की नाम ही नहीं लेती है दोस्तों। तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं कि दोस्तों इसको इस तरह से हीट करते हैं, और दोस्तों ये काफ़ी बहुत पतला होता है, और पतला होने की वजह से दोस्तों कभी कभी हमको आपको ऐसा भी देखने को आ जाता है कि यहाँ पर से आप देख सकते हैं दोस्तों, ये फट जाता है, टूट जाता है, और जिस वजह से हम लोग को नुकसान हो जाती है। और दोस्तों उसके बदले में हमें जो है नया इसका जो है ये कवर हाउस लग के और कस्टमर को लगा के देना पड़ता है। दोस्तों इसी प्रॉब्लम से हमें दूर बचने के लिए आज हम एक नए टिप्स लेके आए हैं, और दोस्तों उसके जरिए से दोस्तों आप आसानी से इसकी स्टैम्पिंग जो है ये बाहर निकाल सकते हैं बिना नुकसान और बिना किसी खरोच के बगैर। हम आसानी से दोस्तों इस स्टेटर को बाहर निकालेंगे। तो दोस्तों वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहे, और दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो घंटा है उसे दबा लें, ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और नया नया वीडियो जो आप लोग को जल्दी देखने मिले। चलिए दोस्तों टाइम को ना गवाए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका जो स्टैम्पिंग है दोस्तों, ऊपर वाला जो ये कवर है दोस्तों, इसके साथ ये चिपक गया है दोस्तों। इससे हम हीट कर रहे हैं, इस तरह से हीट कर रहे हैं, और ये नहीं, और ये फ्रेंड्स दोस्तों ये नहीं निकल रहा है। और दोस्तों इस जो है इसे जो है दोस्तों हम ज़्यादा जोर से हीट करेंगे दोस्तों। ये जो है ये फैन जो है जब चलता है दोस्तों, इसका पेपर जो है ये गर्म होता है, कॉइल गर्म होने की वजह से इसका पेपर हीट होता है, और हीट होता है जब इसे हम इस तरह से हीट करेंगे, चाहे इस तरह से हीट करेंगे और चाहे जो है इस तरह से हम इसे ठोके। तो फ्रेंड्स, इस सिचुएशन में होगा क्या कि इसका जो जितना भी पेपर है दोस्तों, वो झड़ने की चांस होगी, और दोस्तों इसकी जो है जब इसमें हम बैरिंग चेंज कर देंगे दोस्तों, तब इसमें जो है बड़ी शॉर्ट आने की संभावना हो जाएगी दोस्तों। दोस्तों इससे हमें बचने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, तो आगे सबसे पहले देखिए, यहाँ पे सबसे पहले नीचे वाला भी आप देख सकते हैं, नीचे में भी ये सिचुएशन आता है, ये मतलब जब अंदर चल जाता है दोस्तों। ऐसा क्यों होता है कि जब इसमें दोस्तों ग्रीस दिया जाता है, और दोस्तों जब ये चलता है फैन जो कवर है, ये हीट होता है, और इसमें जो ग्रीस दिया जाता है दोस्तों, वो सूख जाता है, जिससे जो है स्टेटर जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका जो 62 जो बैरिंग लगती है दोस्तों, इस जगह पर दोस्तों ये बैरिंग सा चिपक जाता है, और दोस्तों ये निकलने का नाम ही नहीं लेता। और दोस्तों यहाँ पर एक बात आपको और देखने को आती होगी कि कभी कभी दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 62 वायरिंग है, तो ये वायरिंग भी मतलब जो है इसमें फंस जाता है दोस्तों। तो इसे जो हम लोग क्या करते हैं, इसे सीधे सीधे ज़मीन पर रख देते हैं, और यहाँ पे किसी चीज़ की मदद से इसे डायरेक्ट जो है इस तरह से ठोक देते हैं, और वो जो है वायरिंग निकल जाता है। और कभी कभी ऐसा मतलब हो जाता है कि इससे भी दोस्तों ये बैरिंग सीट जो यहाँ पर है, ये भी टूटने की चांस रहती है दोस्तों। ये भी तरीका बताऊँगा कि 62 वायरिंग को किस तरह से हम निकालेंगे जब इसमें स्टेटर नहीं फंसा होता हो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है कि दोस्तों नए मैकेनिक तो उनको तो पता नहीं होता है, सीलिंग फैन आता है और वो जो है सीधे खोलते हैं सीलिंग फैन को और नहीं निकलता है, इस तरह से पटक देते हैं, और इस सिचुएशन में दोस्तों पेपर तो झरेगा ही और इसका कवर भी टूट जाता है दोस्तों। इस सिचुएशन में हम लोग को जो है नुकसान हो जाता है, आप लोग को नुकसान हो जाता है दोस्तों। चलिए इसे निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इस एल्युमिनियम हाउस में देख सकते हैं दोस्तों, ये बहुत पतला होता है, ये एल्युमिनियम का बना होता है, इसका नीचे वाला जो कवर होता है दोस्तों, ये लोहे का बना होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और इसको मतलब जो है कभी कभी इसमें भी बैरिंग फंसता है दोस्तों। यहाँ पे छिद्र कर देते हैं और छिद्र करके इस बैरिंग को निकाल दे दोस्तों। उस सिचुएशन में होता क्या है कि पंखा का जो वो सुंदरता होता है वो तो घट ही जाता है दोस्तों। उसके बाद होता क्या है कि जब इसमें हम ग्रीस देंगे तो दोस्तों वो ग्रीस जो है ये गर्म होकर नीचे से टपकने लगेगा दोस्तों, ऐसा हमें नहीं करना है। तो चलिए आपको बताते हैं क्या करना है। देखिए अगर हमारा दोस्तों ऊपर का बैरिंग जब फंस जाए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 टर्मिनल यहाँ पे बैरिंग के चारों साइड जो है मतलब बना हुआ है, 1, 2, 3 यहाँ पे टर्मिनल है दोस्तों। तो इसी टर्मिनल पे हमें दोस्तों क्या करना है कि यहाँ पे एक पतला सा जो है यहाँ पे सफ्ट लेनी है, जो कि आसानी से इस छिद्र में आ जाए। देखिए यहाँ से आसानी से चल जा रहा है दोस्तों, इसी सॉफ्ट को लेके, और यहाँ पे 3 टर्मिनल आपको देखने को मिल सकती है, और किसी किसी में नहीं भी रहता है, तो यहाँ पे डबल जो है इस तरह से डबल जो है देख सकते हैं यहाँ पे बना हुआ है, तो इस पे रख के मार सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आप देख के, और यहाँ पे इसी इस तरह से जो है इसे हीट करना है, और थोड़ा सा हीट करना है इस तरह से,
और ये दोस्तों ये कवर जो है ये बाहर आ जाएगी बिना नुकसान, बिना किसी टूटे हुए फूटे हुए। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा सा जो है यहाँ पे आयल डाल देते हैं दोस्तों, तो इसका जो सॉफ्ट है दोस्तों ये थोड़ा सा लूज हो जाएगा और बैरिंग को निकलने में दोस्तों ये परेशानी नहीं करेगी। चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले जो है इसे इस तरह से रखते हैं, या किसी बंदे का आपको यहाँ पे रखना होगा तो रख सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम एक बंदे को बुलाते हैं और दोस्तों इसे हम पकड़ के और दोस्तों चलिए यहाँ पे हीट करते हैं थोड़ा थोड़ा सा। ये दोस्तों काफ़ी पकड़ लिया है, ये निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो इसी तरह से दोस्तों हमें करना है और निकल जाएगा आसानी से ये। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं ये इसका जो ये स्टेटर है दोस्तों ये निकल चुका है और इसका पेपर भी झड़ने का ज़्यादा चांस नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं ये सुरक्षित पूर्वक से इसका कवर जो ये टूटा भी नहीं और आसानी से दोस्तों ये निकल गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है स्टेटर इसकी बाहर आ चुका है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे अब होता क्या है कि बैरिंग भी फंस चुका है, तो बैरिंग फंस गया दोस्तों, तो इसे भी इस बैरिंग को भी निकालने के लिए दोस्तों इसी सॉफ्ट को हमें इस्तेमाल करना है। इस तरह से हल्का टेढ़ा करके रखेंगे और इस पर जो है इस तरह से हीट करेंगे दोस्तों और इसका बैरिंग भी निकल जाएगा। तो इसके लिए भी एक आदमी का ज़रूरत पड़ेगा, तो इसे आसानी से निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पे अब दूसरा बात आता है दोस्तों कि अगर इस कवर में भी अगर आपका फंस जाता है दोस्तों, तो इसी तरह से आपको होल के बीचों बीच रखना है और इस जगह पे रख के आप जो है इस सॉफ्ट इस हाउस को भी निकाल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बात आता है हमारा तीसरा बात जो है ये बैरिंग निकालने की दोस्तों। इसे भी दोस्तों इस तरह से रख देते हैं ज़मीन पर और इस तरह से रख के इस तरह से हीट करते हैं दोस्तों। इस सिचुएशन में भी यहाँ पे हमारा टूटने का चांस रहता है दोस्तों, तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि इस तरह का एक जुगाड़ लेना है। आप देख सकते तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें दोस्तों क्या करना है कि इस बैरिंग सीट के जो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, इसको यहाँ पे हमें रख लेनी है इस तरह से, फोकस छोड़ रहा है दोस्तों, यहाँ पे इस तरह से हमें रख लेनी है और दोस्तों इसे हम प्लेट और दोस्तों इसे हम पलट लेंगे। और दोस्तों इसका जो होगा इससे होगा क्या है दोस्तों कि इसका जो सारा भार है दोस्तों उस चुक्के पर जो होगा और उससे उसके बाद दोस्तों हम इस तरह से इसे जो है हीट करेंगे, तो दोस्तों इस कवर पे हमें कोई भी मतलब किसी तरह का लोड नहीं पड़ेगा और कवर को नुकसान भी नहीं होगा और इस तरह से इसे हीट करेंगे और बैरिंग जो है ये बाहर निकल जाएगा। तो दोस्तों इससे जो है आसानी से निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसी प्रक्रिया को आपको अपनाना है और इसी प्रक्रिया के साथ आपको जो है इसका जो स्टैंपिंग है बाहर निकालना है। आपको जो है इसी तीनों टर्मिनल पर रख के निकालिएगा, आपको पंखा को जो है कुछ नहीं होगा फ्रेंड्स और आसानी जो है ये स्टैंपिंग जो है बाहर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो जो है आप लोग को बहुत अच्छी लगेगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो घंटा है उसे दबा लें ताकि इसी तरह का लेटेस्ट और नया नया वीडियो जो है आप लोग को जल्दी देखने मिले। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे बेहतरीन और इससे अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।